दोस्तों मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के निवेशकों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम, डीजल और जेट ईंधन को अन्य देशों को निर्यात करने पर टैक्स लगाया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने पेट्रोलियम और जेट ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाया है। वहीं डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर तेल किल्लत का सामना कर रहे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को रिलायंस इंडस्ट्री और बहुत सारी ऑयल कंपनी तेल इंपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमा रही थी, और इससे समस्या ये थी कि भारत में तेल की शॉर्टेज हो सकती थी, और इस लिहाजे से निर्यात टैक्स यानी कि एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है। दोस्तों एक्सपोर्ट टैक्स लगाने का एक उद्देश्य पेट्रोल पंप पर घरेलू आपूर्ति बेहतर करना भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में ईंधन की कमी का संकट खड़ा हो गया है। निजी रिफाइनिंग ईंधन के स्थानीय स्तर पर बिक्री करने के बजाय एक्सपोर्ट को प्राथमिकता दे रही थी, जिसकी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। दोस्तों सरकार के इस फैसले की वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।